रोटी रोटी खा गए, पद पुद भाई नॉर्मल चल रहे हैं, निकरो में सो रहे हैं भाई, कोई चक्कर ही नहीं है, खुले होके सो रहे हैं। पहले सत श्री अकाल जी की हालचाल, मैं उम्मीद करता तुसी सारे वधिया होगे, सब दिन बहुत वधिया जा रहे होंगे। सो न्यू डे न्यू व्लॉग, तो आज मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी रिवील कर देती है, जो मैंने 24 किलो कम कर लिया है। तो लोग समझ रहे होंगे कि मैंने ECL के लिए 24 किलो कम किया था। भाई सच सच बात बताता हूँ, मेरे को पता भी नहीं था ECL आ रहा है। मैंने मेरे कल मई में जिम स्टार्ट किया, तो 3 महीने मैंने रेगुलर किया। मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं पतला हो जाऊँ, पर मैं पतला हो नहीं पा रहा था। बट अब जब मैंने जिम ज्वाइन किया ना, तो मैं रेगुलर जाता था। तो अब मेरे को था कि मैं पतला हो जाऊँ, तो मैं जब रेगुलर जाने लग गया था ना, तो मैं रोज बाबा जी से पूछता था क्यों पतला करा रहे हो, कुछ तो होगा। तो फिर मैं जवाब मिलता नहीं था, मैं कहा चलो करते रहते हैं, कुछ तो बढ़िया होगा। तो 3-4 महीने बाद ECL आ गया, मैं कहा अच्छा इसलिए पतला हो रहा था मैं। सारे आंसर्स पहले नहीं मिलते, आराम आराम से आंसर्स मिलते हैं, बस आप काम करते जाओ। तो पतले हो गए, 24 किलो कम हो गया, टचवुड ऐसे ही रहे। बाकी ये जा रहा है अब जिम, इसकी बारी है पतले होने की। शौक आ गया गगन को, शौक आ गया, मेरी भी सेंचुरी टच हो गई है। कितने हो गए दिखाओ भाई, अभी दिखाएंगे, दिखाओ जी, आज शरेआम बेइज्जती होगी। चलो मेरा 93 होगा, 93 और 100 में फर्क होता है। बेइज्जती क्या, अब 100 टच हो रहा है ना, अपने आप पे कम ही है, मेरे बराबर नहीं पहुंचा फिर भी। मैं तो 105 से आया हूं भाई, मैं बड़ी दूर से आया, मेरा सबसे ज्यादा था, मेरा बहुत है, इसका तो 93 है, इसका तो हो जाएगा जल्दी, मेरे हिसाब से तो ज्यादा है ना। क्यों, पहले पूरे परिवार में सबसे कम वेट मेरा था, अब सबसे ज्यादा मेरा है, पापा से भी ज्यादा मेरा है, सबसे ज्यादा अब इसी का ही है। वाकई इसका कम था, मेरा सबसे, मेरा 78 था वेट, 78 से मैं 93 पे आया हूं। चलो जी अब मैं अपना लगाऊं, बाकी आज चलते हैं, बड़े दिनों के बाद रॉस होटल से आ गए हैं, ECL भी मुक गया है, बहुत मज़ा आया ECL में, बड़ा प्यार दिया आप लोगों ने, बट हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सॉरी है उसके लिए। नया सीज़न आएगा, फुल ट्राई करेंगे दोबारा से कि और अच्छा परफॉर्म करें, बिल्कुल है ना। तो चलते हैं शॉपिंग करने, चलते हैं देखते हैं, हाँ शॉपिंग पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बट घूम के तो आए, डालूंगा, बट वहाँ एक ही बार डाल पाया, फिर जब मैच शुरू हो गए यूनिफॉर्म डालने पड़ गए, हाँ क्योंकि वो तो यार डालनी जरूरी है, जब आप टीम के लिए खेल रहे हो तो टीम के कपड़े डालने जरूरी है। फिर जब मैच शुरू हो गए तो रेगुलर ही मैचेस थे, तो रोज ही वो यूनिफॉर्म डालनी पड़ती थी टीम की, तो क्या हुआ था दूसरा तैयार होने का मौका नहीं मिलता था, बस एक बार एक आउटफिट डालने का मौका मिला था, वो डाल के मैंने फोटो ही डाल दी थी। बाकी अब हम दूसरी चीजें प्लान कर रहे हैं, आप बताओ कि अब क्या किया जाए। हम सोच रहे हैं एक और ट्रिप मारी जाए, क्योंकि ट्रिप्स हमारी बड़ी कम हो गई हैं जब से रेस्टोरेंट खुला ना, तो रेस्टोरेंट पे भी पूरा ध्यान देना पड़ता है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप बताओ कि ट्रिप कहाँ की मारी जाए, इंटरनेशनल जाया जाए या दोबारा K2K करी जाए या क्या किया जाए, कमेंट्स में सजेस्ट करो। व्हाट डू यू वांट, करेंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ अब तो मैं चप्पा चप्पा बता है, कोई टेंशन नहीं, K2K करने अभी दोबारा एंजॉय लाइक नहीं, K2K जाए, पहले एंजॉय नहीं से लेता इतना, हाँ, पहले एंजॉय नहीं करता हमने, पहले हमें तो जल्दबाजी में था कि बस पूरा करना है, निकले हैं तो पूरा करना है, बट अब हमें समझ आ गई है कि एक जगह पे भी आप 2-3 दिन रुक जाओगे ना, तो वो कोई आपकी परेशानी वाली बात नहीं, आप कंटेंट निकाल ही लोगे वहाँ से। हमें क्या होता था, बस पहले पूरा करना है, फर्स्ट टाइम पहले हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, हमें ये भी था फर्स्ट टाइम जिंदगी में, फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकली हूं। बट अब हमें समझ आ गई कि हमने क्या क्या गलतियां करी थी उस टाइम, तो वो गलतियां अब नहीं करेंगे और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वो अब हमें चीजें समझ आ गई। तो आप कमेंट्स में बताओ कि क्या किया जाए। मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ने ना कोई मैचेस ही नहीं देखे आज तक, है बट ये वाले मैच मम्मी ने पूरे देखे, 2 घर से देखे, मेरे ख्याल 3 स्टेडियम से देखे, ऐसे ही था कुछ, ऐसे ही था। हाँ तो कैसा लगा मम्मी आपको? बहुत बढ़िया लग गया, मैंने तो हुन इंटरेस्ट बन गया वे, पहले देने से पहले मैं तेरे पापा ना लड़ती थी कि बंद करो क्रिकेट क्या देखे जा रहे हो, बंद करो, सुनते नहीं थे तेरे पापा, कोई गाल नहीं सुनते। बट मैं जब मतलब हम हार रहे थे ना, तो मैं मम्मी को फोन करता था, मम्मी अभी भी चांस है, पता क्या कहती थी, हाँ तेरे पापा ने मेनू दसता है कि हाँ अभी भी पहुंच सकते हैं ये आगे, होता तो है ही है ना भाई, जीत जाओ कुछ बन जाए तो अड्डा। पर जब मैं खेलता था मम्मी कैसा लगता था आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं चला हुआ, पर दिल्ली, हाँ देखो इतने एक्सपर्ट बंदे भी क्या हो जाते हैं, हाँ पर मजा बड़ा आता था यार, बाद में जब बाहर हो गए ना तब होता था एक बॉल और मिल जाती, मैंने बाद पता लग गया बंदियां नु क्यों मजा आंदा है क्रिकेट खेलने दा,
कैसे भी खेलते ने जेडे बंदे इंटरेस्ट लेंदे चलो तू ते खेलदा पिया सी पर मेनू अपना बंदा खेले दे इंटरेस्ट बनता है ये तो पर बंदियां नु फिर जेडे विंदे ने बंदियां दा काम है क्रिकेट दा ओना नु ते शौक आपे होना भाई फुल आईपीएल वाइब्स थी होटल था खाना खूना था बस थी डग आउट था फिर आपका वो रूम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो भाई फुल फुल स्वाद था ईसीएल में 10 दिन तो टेंशन ही नहीं थी कुछ काम करना है कि हाँ भाई खेलो बस मौज करो बट कोई नहीं नेक्स्ट सीजन में और बढ़िया करेंगे। सबसे ज्यादा हैरानी मेरे को पता है क्यों होती है कि मेरे को इतना नहीं पता था कि मैं इतने गुस्से में रहता हूँ। मतलब मैंने भी अपने आप को पहली बार ऐसे देखा था इतने गुस्से में कि जब मैं खेलता था मेरी बातें मीम बन गई है। वो पता नहीं कौन सा लगान का कोई बंदा था उसके साथ मेरी मीम बन गई है वो भी ऐसे गुस्से में मारता था। फिर बाद में मैंने कमेंट्री सुनी कमेंट्री हो रही थी भैया मुंडा बनांदा था एंटरटेनिंग वीडियो तैन वेखो ना अपनी टीम ना साप आया सामने वाले ना भाई मेरे को था कि मैं आज फाड़ दूं भाई दूसरी टीम को ना। फिर बाद में मेरे को रेफरी सर मिलते थे कहते स्माइल मेरे को बड़े सारे लोग मिले कि भाई तू इतना तो हंसता है तो ऐसे बस मैं मार। मैंने कहा जब मैं फील्ड पे हूँ तो मैं अपनी टीम के लिए आया हूँ और जीतने आया हूँ मैं हंसाने थोड़ी आया किसी को हंसने आप मेरे से बाहर मिलो। सही गल है उस टाइम तो उस टाइम मैं डिफरेंट प्रोफेशन में हूँ अपने पूरा फोकस कितना। मैंने कहा भाई जीतना है भाई अंदर थोड़ी मेरे को कॉमेडी करनी है अंदर मेरा डिफरेंट चीज है। क्या हुआ था कि ना तानुष और मैं रूममेट थे वो मेरे मामे का लड़का है ना बट हम ना कम मिले हैं इसी बार हम बहुत पहली बार मिले हैं जो प्रॉपर हम मिले हैं नहीं तो उससे पहले हम कोई फैमिली फंक्शन में मिल गए या किसी लिए मिल गए है ना तो हमारी बहुत कम इंटरेक्शन होती थी बट हमें पता था कि हम दोनों वीडियोस बनाते हैं बट हमारा कभी ऐसे सबब नहीं बना था। तो भाई हम पहले दिन रुके तो पहले दिन हम नॉर्मल थे कि चलो भाई बॉन्डिंग है हम रिश्तेदार है बट वो अभी इतने खुले नहीं है। एक दिन लग गया पहले दिन तो प्रॉपर नींद भी नहीं आई वहाँ बेड पे क्योंकि भाई बेड दूसरा घर पे दूसरा होता था नींद नहीं। दो दिन हो गए भाई तीसरे दिन से हम खुल गए भाई रोटी रोटी खा गए पद पुद भाई नॉर्मल चल रहे हैं निकरों में सो रहे हैं भाई कोई चक्कर ही नहीं है खुले हो गए सो रहे हैं। पहले क्या होता था कि भाई दूसरे को भी जगह देनी है खुद भी जगह देनी है टांगे संभाल के रखो फिर तो भाई जब खुले तो टांगे यहाँ जा रही है टांगे वहां जा रही है कोई परवाह नहीं है फिर मौज मार रहे हैं भाई पूरी मौज मार रहे हैं तो फन हो गया भाई बॉन्डिंग अच्छी होगी मेरी तानुष के साथ बढ़िया हो गया। अभी हम प्लान कर रहे हैं दोनों की कहीं बनाएंगे प्लान तो घूम के आएंगे बट ये फुल बॉन्डिंग होगी थी हमारी फुल चिल करते थे फिर हम तेरे गलत है ऐसा है। पहले दो दिन थे बड़ा मतलब भाई पहले तो अपने बीच दो वो भी रहा मैं भी अपने दूसरा परेशान ना हो गए बाद जब पद भी सब कुछ चल रहा है भाई फिर और क्या हुआ मैं बताता हूँ भाई पहले दिन नींद नहीं आई और जब लास्ट डे था ना भाई नींद खुले ना हमारे पास ना किसी और टीम के बैट पड़े थे तो उन्होंने सुबह सुबह लेके जाने थे हमसे और हमारे कमरे में बेल नहीं थी तो भाई उसने खड़का खड़का के परेशान कर दिया। मैं कहा तानुष उसका ना बैट देने होंगे शायद वो तभी खड़का रहा है कहता हाँ हाँ फिर हम गेट खोला कहता भाई साहब कितनी गहरी नींद सोते हो आप। मैं कहा भाई पहले दिन तो नींद आ नहीं थी पर जब आई है तो बहुत ही गहरी आई है। मम्मी आ गई है सबसे पहले अपने टॉप देखते हैं कुछ मिलता है मम्मी के लायक बढ़िया लग रही है अभी। कितने बजे बंद होती है वहाँ ओखला में बंद होगी होगी फिर जैकन जोन्स आए थे तो कुछ नया आर्टिकल नहीं आया ये ट्राई करें सिना बन ये ना एक शो आता था वो देखते थे हम ये यार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है ये देखो। सर ये बता सकते हो आप क्या होता है हमने कभी ट्राई नहीं किया बट एक शो आता था उसमें देखा है बड़ा हमने ना हाँ सिनेमन अच्छा कैसे मतलब टेस्ट कैसा होता है इनका कौन सा खाओगे कोई भी ले ले मैं तो थोड़ा सा खाऊंगी ये वाला दे दो कैरेमल वाला दे दो हाँ कैरेमल वाला दे दो किंचन किचन बोल दे सबसे छोटा दो अभी तो पहले टेस्ट कर लेंगे किंचित किंचित खाने के लिए है संस्कृत वर्ल्ड सिनेमन ये दालचीनी है हाँ पता मेरे को हाँ मैं कह रही हूँ मैं थोड़ा सा लूंगी किंचित किंचित संस्कृति वर्ल्ड वाह पहली बार मैंने मम्मी की मुंह से ये सुना किंचित किंचित मैंने दसो मैं सही बोल लिया वे किंचित किंचित इसमें क्या क्या है वैसे आइटम स्वाद क्या क्या है इसमें ये नहीं पता मैं वो आइटम स्वाद लेकिन ये नहीं पता इससे लेती हूँ क्या क्या आप बताओ स्वाद लगी नहीं लगी ये स्वाद तो है काटना एक चीज देखिए भाई जो मेरा जी कर रहा हो और वो मैं ना कर लूँ तो मैं काम भी नहीं कर पाता। कल रात को ना मेरा मैंगो शेक पीने का जी कर रहा था दो मैंगो शेक मंगाए हैं मैंने रात को
हाँ तब तो जाके दो स्क्रिप्टें लिखी है मैंने, मैंने कहा अब ठीक है, अब मेरे दिमाग की नसें ठंडी हो गई, अब मैं काम करूंगा। आप कहोगे इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू, मतलब इतनी रात नहीं हुई है, मैं जा रहा हूँ अल्फा बाजी से मिलने, क्योंकि भाई हम 10-11 दिन साथ थे ना तो जी लगा रहता था, अब अलग हो गए हैं तो वो थोड़ा सा जी करता है कि साथ बैठे बातचीत करें। तो बाजी लेट फ्री होते हैं क्योंकि बाजी हैं सीए, तो बाजी का टाइट स्केड्यूल होता है, तो मैंने कहा चलो कोई चक्कर नहीं बाजी, जब आप फ्री हो जाओ तो बता देना, मिल लेंगे क्योंकि हम दोनों आसपास ही रहते हैं। तो हमने कहा चलो सेंटर पॉइंट पे मिल लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, बट कॉफ़ी पी लेंगे तो कल तो हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा कि रात को नींद नहीं आएगी जो पहले ही नहीं आती, बट कोई नहीं, लेट्स सी। हाउ आर यू बाजी? मैं क्या व्लॉग बनाने शुरू कर दिए और ठीक हो भाई? मैं क्या आज बाजी नु मिल लिए, बड़े दिन हो गए सीगे, मैं अभी से करके आया, चले गए, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बस मिला मैं, पर हमने 2 घंटे बहुत बातें करी भाई, बातें ही करते रहे। फिर मम्मी का फोन आया कि घर का दाना, मैं क्या चलो मम्मी आ रहा हूं, मैं क्या बाजी घूमने का प्लान बनाएंगे और चलेंगे कहीं घूमने चलेंगे, पर अभी घर चलते हैं क्योंकि मम्मी कह रही है घर आ जा, तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं, बाकी पाजी के साथ प्लान बनाएंगे, मज़ा आता है यार, है ना, ईसीएल की बातें करके, तो इट्स गुड, पाजी के साथ वधिया टाइम स्पेंड हो गया, तो हुण घर चलते हैं, तो इहदे नाल ही इस व्लॉग नूं करदे हैं एंड। मैं उम्मीद करता तुहानूं पसंद आया, जे पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर करके जाना कितना लगे, तो जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब ठोक दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।